कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे अपनी कबर्ड को अरेंज करती हूँ, अपने वार्डरोब्स को, बच्चों के, हस्बैंड के, और अपनी कबर्ड जो है वो किस तरह से मैं मैनेज करके रखती हूँ। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, उनके भरपूर फरमाइश थी कि आप अपनी जो कबर्ड्स का अरेंज करने का तरीका है वो वीडियो में शेयर करें। वो बल्कि हंसती हैं कि मेरी तो कबर्ड बंद नहीं होती, इस तरह से मैंने कपड़े ठोंसे हुए होते हैं, और फिर ये होता है कि आखिर जब आगे से बंद नहीं होती तो मैं एक औजार बांध देती हूँ और उसको उससे मैं या कोई रस्सी लेके मैं उससे आगे से कबर्ड को बांध देती हूँ। खैर ये तो एक मजाक था, तो चले मैं आपको बताती हूँ। हर किसी का अरेंज करने का, अपने घर को, अपनी चीज़ों को रखने का, अरेंज करने का अपना एक तरीका होता है। मेरा जो तरीका है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन चले बुरा भी नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ। तो चले देखते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड की जो कबर्ड है वो तो इस तरह से मैं उनके जो मतलब बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं ऑफिस वगैरह के, वो इस तरह से उनको तय करके यहाँ पे इस तरह से रख देती हूँ। सीज़न के कपड़े यहाँ पे, उनके जो बनियान्स हैं, बनियान है वो हैं, साथ नमाज की टोपी है, ताकि वो आराम से जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ढूंढना नहीं पड़ता और आराम से वो ले लेते हैं। यहाँ पे उनके अंडर गारमेंट्स हैं, यहाँ पे औजार बंद हैं, और ये कुछ मतलब शॉपिंग बैग में कपड़े ऐसे हैं जो वाइट कलर के हैं और उन पे अलमारी के अंदर दाग कोई ऐसा ना लग जाए, इसलिए मैंने न्यू जो कपड़े हैं उनको मैंने इस तरह से बैग में डाल के रखा हुआ है, और बाकी इस तरह से तक लगा के रखते हैं। और अब उनका कहना था कि आप जिस तरह से ये कपड़े होते हैं अब उनको निकालती कैसे हैं, तो मैं यूँ एक हाथ ऐसे रखती हूँ और दूसरे कपड़े को यूँ एक हाथ नीचे रखा, एक ऊपर रखा, और इनको बाहर निकाल लिया, ऐसे मैं करती हूँ। इस तरह से ही ये सर्दियों के कपड़े थे, यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल रेंज में आ रहे हैं वहाँ पे मैंने गर्मियों के रखे हुए कपड़े, चूँकि अभी गर्मियाँ हैं, और यहाँ पे मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। तो ये साथ एक कंफर्टर था जिसकी अभी मुझे कोई जगह समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर साथ उनका ट्रैवलिंग बैग है, न्यू है वो, मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया। इसके साथ ही नीचे आ जाए तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा टॉल्स हैं वो रखे हुए हैं, इस्तेमाल वाले उनके हैं, और वो धो के यहाँ पे रख देती हूँ। एक वो यूज़ कर रहे होते हैं, दो एक दो जो है वो इस तरह से तय करके सामने उनके रख देती हूँ, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो रख देती। ये बीच में एक मेरी शॉल आ गई है जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही गर्मियों के, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वाइट चादर होती है वो पड़ी हुई है, और नीचे उनके आम इस्तेमाल वाले एक्स्ट्रा पिलो कवर पड़े हुए हैं। साथ जायनमाज है जो कभी कोई मेहमान आ जाता है तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने जो नॉर्मल यूज़ वाली बेडशीट्स होती हैं डेली यूज़ वाली वो रखी हुई हैं, और उसके साथ एक ऐसा जायनमाज रखा हुआ है जो कि कोई मेहमान आ जाए तो जायनमाज मांगे तो फ़ौरन से उनको निकाल दिया, और ये रफ़ यूज़ वाली इस तरह से मैं तय करके, तो उनके जो बेड की होती है मतलब मेरे और उनके बेड की जो बेडशीट्स हैं नॉर्मल यूज़ वाली डेली यूज़ वाली वो मैं इस तरह से तय करके रख देती हूँ। इसके साथ आ जाते हैं हैंगिंग वाली की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी मची हुई है यहाँ पे एक, बाकी तो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ हैंग करके रखा हुआ नहीं है। एक जैकेट है छोटे बेटे की, और साथ मेरे एक्स्ट्रा बैग्स पड़े हुए हैं, इस तरह से मैं तय करके रख देती हूँ। और ये छोटी छोटी जैसे नलकियाँ वगैरह होती हैं, ये बाहर जगह नहीं थी तो मैंने इसको इस तरह से कबर्ड में रखी है, और ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ये नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मेरे सर्दियों के जो कपड़े हैं वो पड़े हुए हैं, और उसके साथ इस तरह से मैं एक दो शॉपिंग बैग जो है वो सामने रख देती हूँ, ताकि कभी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो इधर से फ़ौरन से लिया और यूज़ कर लिया। और मेरी आदत है कि जब मेरे पास कपड़ों के बैग, जैसे आजकल ब्रांड्स वगैरह के बैग होते हैं, तो मैं कपड़े यूज़ करके धो के जब इस्तेमाल कर चुकते हैं तो वापस उनको उसी बैग में तय करके रख देती हूँ। तो यूँ आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से
अपने कपड़े यूं से मतलब हाफ कवर्ड में हस्बैंड की चीज़ें पड़ी हुई हैं और हाफ में मेरी पड़ी हुई और डेली यूज़ के बेडशीट्स पड़ी हैं। तो चलते हैं बच्चों की कबर्ड में, कबर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे तो बहुत हंगामा मचा हुआ होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सेट नहीं की। तो ये ऊपर वाला जो कैबिनेट है, यहाँ पे मैंने बेडशीट्स उनके रूम की रखी हुई हैं, कुछ न्यू हैं कुछ यूज्ड हैं इस तरह से। और ये कुछ स्वेटर हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं हो रहे, सर्दियों में यूज़ होंगे तो मैंने इस तरह से पैक करके रख दिए। यहाँ पे सारी शर्ट्स हैं, फुल स्लीव्स हाफ स्लीव्स, उनके पीछे मतलब वो इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है कि एक ही कैबिनेट में पोर्शंस बना दिए हुए हैं कि एक तरफ शर्ट्स आ जाएं दूसरी तरफ शलवार कमीज, ताकि ढूंढने में आसानी हो। जब शलवार कमीज पहननी हो तो आराम से शलवार कमीज निकाल ली, और जब शर्ट पहननी है पैंट पहननी है तो यहाँ से शर्ट ले ली। यहाँ पे आप देखें ऐसे तय करके मैंने पीछे शलवार कमीज रखी हुई है, और यहाँ पे ट्राउज़र्स और एक्सेस में, ताकि आसानी से जो चीज़ की ज़रूरत है वो आराम से बच्चे भी आराम से निकाल सकते हैं और बगैर हंगामा मचाए, बगैर चीज़ें डिस्टर्ब किए हुए। यहाँ पे ट्राउज़र्स और पैंट हैं जो नॉर्मल यूज़ किए हैं, डेली यूज़ किए हैं। यहाँ पे अंडर गारमेंट्स हैं और यहाँ पे उनके साथ उनकी सॉक्स हैं, जो अभी मतलब ये ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि जैसे ये नॉर्मल हालत में पड़ी होती। कुछ भी अभी मैंने रीअरेंज नहीं किया वीडियो के लिए, जिस तरह से चीज़ें पड़ी थी वैसे ही हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे भी इसी तरह ही छोटे बेटे के हैं, पीछे शलवारें कमीज़ें हैं। मैं अपने कपड़े और बच्चों के जो पैंट शर्ट होती है वो तो इस्त्री करके रख देती हूँ, लेकिन जो उनके शलवार कमीज़ होती है उनमें कॉटन वगैरह के होते हैं, जल्दी बाल पड़ जाते हैं, तो वो मैं उस तरह से इस्त्री करके नहीं रखती। जब पहनने होते हैं तब इस्त्री करती हूँ। ये इसी तरह से उनके भी साइड पे शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, यहाँ पे पैंटें पड़ी हुई हैं, पैंट और निकर वगैरह, यहाँ पे शॉर्ट्स पड़ी हैं, ताकि जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आराम से निकाली जा सके। तो इस तरह से मैं अरेंज करती हूँ उनके चीज़ें के साथ ही। ऊपर बेडशीट्स हैं एक कैबिनेट में, और आराम से वो निकालें और यूज़ करें। इसी तरह यहाँ पे उनके दो ही बच्चे हैं और दोनों के अलहदा अलहदा कैबिनेट्स हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिस्तर इस तरह से रखे हुए हैं, कम जगह है तो उनको इस तरह से फैला के रखा हुआ है कि ज़्यादा बिस्तर समेटे जाते हैं। और जब ज़रूरत पड़े, कोई अचानक से कोई मेहमान आ जाए, जब आपको खुद के भी ज़रूरत हो, तो आराम से पैसे एक बिस्तर आराम से निकल, यूँ फेंके हुए नहीं है कि जब निकालने हों तो मुश्किल हो। इस तरह से इधर साइड पे छोटे कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट्स पड़ी हैं, तलाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, इस तरह से अरेंज किया हुआ है इसको। आ जाते हैं मेरी कबर्ड में, जहाँ पे ज़्यादा मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कुछ हस्बैंड के कोट पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मेरे घर वहाँ जो पहली वाली कबर्ड थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे गर्मियों के कपड़े हैं, वो भी उसी तरह से मैंने रखे हुए हैं कि सारे जो यूज़ किए फिर दोबारा उनको पैकेट्स में डाल इस प्रेस करती हूँ और फिर वापस पैकेट में डाल के तो रख देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ वाइट चादरें और जो बाहर जाने वाली हैं वो तय करके रखी हुई हैं कि जब आपको अचानक से कहीं बाहर निकलना हो तो आराम से यहाँ से चादर ली, ऊपर ली और बाहर निकल गई। यहाँ पे मैं बहुत कम कोई कपड़े हैंग करके इस तरह से रखती हूँ, दो तीन सूट होते हैं जो यूँ से प्रेस करके रख देती हूँ, बाकी इसी तरह ही तय करके। वो भी हर इस्त्री होते हैं, जब आप निकालते हैं प्रेस पड़े होते हैं तो बस निकाल, जब कहीं निकलना हो घर में भी, जब तो आपने चेंज करने हैं तो इनमें से निकाला इस्त्री किया, हल्की सी इस्त्री मारनी पड़ती है, पहले ही ऑलरेडी इस्त्री होते हैं। यहाँ पे कुछ ये नी कैप्स पड़े हुए हैं, और उसके अलावा मेरी स्लिप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, नीचे एक्स्ट्रा बैग्स पड़े हुए हैं, यूं से रखती हूँ। और यहाँ पे ये वाली कबर्ड जो है ये बहुत छोटी सी है। तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे पीछे मेरे फादर इन ला की पिक्चर पड़ी हुई है, दीवार पे लगी हुई थी, तो कहते हैं कि घर में तस्वीर अच्छी नहीं होती, नमाज नहीं होती, इसलिए मैंने उठा के अंदर रख दिए। यहाँ पे डीवीडी पड़ी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है, और कुछ कैसेट्स पड़ी हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है मेकअप पाउचेस पड़े हैं, कोई हस्बैंड का शेविंग किट पड़ी हुई है जो ट्रैवलिंग में यूज़ होती है। यहाँ पे मेरी दूसरी जो कबर्ड है जिसमें मेरे जूते वगैरह पड़े होते हैं, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के नीचे जो कैबिनेट है उसके अंदर रखे होते हैं जूते, जूतों के बॉक्स, तो या वो एक दो एक्स्ट्रा हो गए थे जो उसमें पूरे नहीं आ रहे थे तो मैंने यहाँ पर रख दिए। इसके साथ हस्बैंड की सॉक्स पड़ी हैं
जब उनको ज़रूरत होती है वो यहाँ से लेते हैं और पहन लेते हैं। नीचे उनके मेरे हस्बैंड के रात को पहनने वाले कपड़े पड़े हुए हैं, शलवार, एक तरफ शलवार कमीज है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो लेके पहन लेते हैं रात में। और यहाँ पे उनके ट्राउज़र शर्ट्स पड़े हैं। इजी होता है, वो खुद ही आते हैं यहाँ से उठाते हैं, और हर चीज़ें तो ख़राब करते ही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अपनी निकाल लेते हैं और रात में पहन लेते हैं। दिन को पहनने वाले जो मतलब बाहर निकलने वाले, वो मैंने आपको दिखाया है कि दूसरे कबर्ड में पड़े हैं, और ये रात में पहनने वाले इस तरह से, एक तरफ शलवार कमीज है, एक तरफ ट्राउज़र शर्ट्स और निकर्स है, शॉर्ट्स वगैरह। नीचे मेरे रात को पहनने वाले कपड़े पड़े हैं, और इस तरह से ही मैं तय करके उनको प्रेस करके रख देती हूँ। जो कुछ प्रेस रात में पहनने वाले होते हैं, कुछ प्रेस करती हूँ, कुछ नहीं करती, और इस तरह से उनको तय लगा के रख देती हूँ। तो ये था मेरा तरीका कबर्ड्स को अरेंज करने का है। अभी तो बिल्कुल, जैसे मेरी तकरीबन 1 मंथ से ही तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो कोई अच्छे से काम नहीं हो सका। जिस तरह से चीज़ें आती हैं मैंने फेंकी हुई हैं। हर किसी का अपने घर को संभालने का, अपनी चीज़ों को रखने का अपना तरीका होता है। मेरा जो था अच्छा बुरा, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर मेरी दोस्त देख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।